शहर के मसूदा रोड स्थित आजाद नगर में मंगलवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट के दौरान एक पक्ष के सगे भाई तथा बहन घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। अस्पताल में उपचाररत पीड़िता मसूदा रोड आजाद नगर निवासी श्रीमती कौशल्या पत्नी स्वर्गीय श्यामलाल चौहान ने कहा कि मंगलवार सुबह उसके पड़ोसी लाला उर्फ शिवराज गुर्जर, रतन गुर्जर पुत्र गिरधारी धर्मा पुत्र रतन गुर्जर तथा गिरधारी गुर्जर एक राय होकर उसके घर पर आए तथा गाली गलौज करने लगे। पीड़िता ने बताया कि गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने कौशल्या तथा उसके पुत्र दीपक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि मारपीट की घटना की जानकारी मिलने पर उसका भाई सूरजपोल गेट निवासी पूर्व पार्षद रमेश तकदी बीच बचाव करने पहुंचा, तो आरोपियों ने एक राय होकर उसके साथ भी लाठियों सरियों तथा अन्य हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पीड़िता कौशल्या ने बताया कि घटना के दौरान आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता करते हुए कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़िता कौशल्या ने इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। मेरी बहन विधवा बहन है मेरी, आए दिन ये लोग बहुत परेशान करते हैं इसको, ना जाने क्यों इसके साथ में रंजिश रखता है, इसके साथ में इसको कपड़े फाड़ दिए, इसके साथ में ना जाने क्या क्या हरकतें की इन लोगों ने। मेरे को जैसे ही सूचना मिली मैं इधर आया तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया सरियों से। पंच इनके पास में था, वो धर्मा गुजर जो गिरधारी का पुत्र है, उसने तो मुझे लट्ठियों लाठों से मारा, और ये तीनों चारों बाप बेटे मिलके और मुझे अकेले को बहुत बुरी तरह से पीटा, और मैंने तो कुछ नहीं छुड़ाने के मकसद आज तक मैं यही करता आया हूँ। ये जब भी होता है इनको बीच के समझा करता हूँ, समझाने का आज मेरे को समझाने इन्होंने समझाया मुझे इस तरह पीटा, मेरे को जानलेवा हमला किया मेरे साथ में। और ये मेरी विधवा बहन है, आज से नहीं कम से कम 20 साल हो गए इसको विधवा हुए। ये जो आए दिन इसके साथ में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, आज की जो घटना तो बहुत बारीक घटना हो गई, इसके साथ में इसके कपड़े फाड़ दिए, इसके साथ में उसके कुछ अश्लील हरकतें की इसने उन्होंने बहुत भयंकर, और मैं बीच बचाव करने गया तो मेरा ये हाल करके लाठी और सारी सरियों से। ये धर्मा गुजर है, गिरधारी गुजर है, रतन है, लाला है, ये चारों पांचों बाप बेटे उन्होंने मिलके और मेरे ऊपर बहुत भारी हमला करके मुझे बहुत सरियों से लाठियों से पीटा। भैया मैं तो घर में बैठी थी, आए दिन मेरी बहू को चार जन का गंदा गंदा बोलते तो भी चुप रहती हूँ मैं तो, और मैं तो घर में बैठी आकर और धर्मा ने लाला ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और मेरे को चीर के बाहर फेंक दूंगी, धरती से उठा दूंगा तेरे बेटे को, और बच्चे सो रहे थे मेरे को, तो मैं तो बाहर अंदर कमरे में बैठी आकर मेरे गेट पे आडा बचेड़ा और करा तो भाटा फेंका, तो मेरे साथ तो गंदी गंदी हरकतें करने लगे, मेरे कपड़े फाड़ दिया, मेरे कपड़ा फाड़ दिया भाई, और मेरी गंदी गंदी हरकतें करके आए दिन मेरे को चार जान बोलते तो भी मैं चुप रहती हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं क्या होगा, आकर मेरे साथ लकड़ी और सब कुछ मेरे पेट में मारा, मेरे दोनों भाई काका भतीजा ने और बड़ा भाई ने, बड़ा भाई भी आया, फिर मेरे को तो पता ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आकर अंदर तो मेरी जान बचाने के, फिर बच्चे उठ के आए, सो रहे थे आज सुबह 8 बजे की बात है।